अगले 24 घंटे पश्चिम एशिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर ईरान के साथ इसराइल का युद्ध भड़का तो इसकी जद में अमेरिका भी आएगा। अगर ईरान या उसके पॉक्सी इसराइल पर हमला करते हैं तो मान के चलिए कि तीसरा काड़ी युद्ध तय है। इसराइल की मदद को समंदर में उतरा अमेरिका। बाइडेन के विध्वंसकों ने इसराइल के दुश्मनों को घेरा। यूएस के रेडार पर ईरान, लेबनान, यमन, गाजा। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। अपने दोस्त को मुश्किल में घिरता देख अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े का 30% हिस्सा इसराइल के दुश्मनों के आसपास तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इसराइल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इसराइल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इसराइल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तमाम अटकलों के बीच दोस्त की मदद को दोस्त सीना तान के खड़ा हो चुका है और दुश्मनों को साफ लहजे में कहा है कि दम है तो आगे बढ़ो। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इसराइल पर हमला करने को लेकर ईरान बेताब है। इसराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्ला, खतरा दोनों ओर से है। हिजबुल्ला ने तो इसराइल के ऊपर मिसाइल भी दाग दी है। यही वजह है कि अब अपने दोस्त इसराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। हिजबुल्ला के करीब पहुंची अमेरिका की पनडुब्बी। 154 क्रूज मिसाइल के साथ नसरल्ला पर हमले की तैयारी। नेतन्याहू को बचाएगा बाइडेन का ऑपरेशन टॉमहॉक। विदेशी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को आशंका नहीं, पूरी उम्मीद है कि 12 अगस्त की रात को इसराइल पर ईरान ताकतवर हमला करेगा। इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले देखिए कि अमेरिका कितनी जल्दबाजी में है। अमेरिका ने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मेडिटेरियन सागर में भेज दिया है। ये दोनों ही अपनी फुल स्पीड में इसराइल की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोस्त इसराइल को बचाया जा सके। अमेरिका ने ये आदेश ऐसे समय में जारी किए हैं जब अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर फौद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी अधिकारियों को इन हत्याओं के बाद ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से जवाबी हमले किए जाने की आशंका है। यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अब जान लीजिए उस खतरनाक सबमरीन के बारे में जो अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए भेजी है। अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बी, जिसे यूएसएस जॉर्जिया का नाम दिया गया है। इस पनडुब्बी पर 154 बीजीएम 109 टॉम हॉक मिसाइलें तैनात हैं। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में दागी जा सकती हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉरपीडो ट्यूब्स लगे हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन वाली इस हाई क्लास पनडुब्बी में 2 गियर टर्बाइन, 1 ऑक्सिलरी मोटर और 1 शाफ्ट है जो इसे पानी के अंदर और ऊपर चलने की ताकत देते हैं। 560 फीट लंबी सबमरीन का बीम 42 फीट का है। इसके अंदर 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक रहते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 19,050 टन है। ड्राफ्ट 38 फीट का है। ये सबमरीन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। ये सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिकी नौसेना में काम कर रही है। यानी अमेरिका जब चाहे ईरान और उसके प्रॉक्सी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। इसराइल को बचाएगा यूएसएस अब्राहम लिंकन।
अमेरिका के दूसरे विध्वंसक को देखिए, दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। इसकी एक मूवमेंट से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते हैं। नाम है USS अब्राहम लिंकन। इसराइल